What's up everybody, welcome back to the channel. This is Beaver Draw and ये video है Easy Breakdance Move Series का video number 4. तो पांच और नए breaking के moves सिखाने वाला हूँ. And अगर आपको बाकी के parts देखने हैं तो मैं description में link दे दूँगा, वहाँ से देख लेना. वहाँ भी काफ़ी अच्छे अच्छे moves मैंने सिखाए हैं. And इन moves की practice आप घास पे कर सकते हो, floor पे कर सकते हो, कहीं भी करो, बस इनको सीखो. और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे फ्लिप्स एंड ब्रेकिंग के ट्यूटोरियल्स लाते रहता हूँ. तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे फर्स्ट मूव है एल्बो फ्रीज. तो इसको कैसे करना है वो देख लो. तो हमारा जो सबसे पहले पोस्चर है, जो हैंड की प्लेसमेंट है, वो होगी हमारी. सबसे पहले हम एल्बो रखेंगे. आप जिस भी हैंड पे ज़्यादा कंफर्टेबल है वो रख लेना, मैं लेफ्ट हैंड पे कर रहा हूँ. सो लेफ्ट हैंड हमें ऐसे रखना है, ठीक है, हाथ खुले हुए. एंड इस वाले एल्बो के बराबर पे यहाँ पे लाके इस हाथ को प्रेस करना है. एंड यहाँ पे इस पैर को ऊपर किक करना है. ये बस ये प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है. एंड धीरे धीरे ट्राई करना है कि आप कैसे हल्का सा होल्ड जो है ऊपर रुके एक दो सेकंड के लिए, है ना. सो ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको पूरा संभालना है आपको यहाँ से एंड इस वाले हाथ से. और ये एल्बो आपको टाइट रखना है, शोल्डर आपको ऊपर खींचा हुआ रखना है ऐसे. एंड सेम चीज़ आपको प्रैक्टिस करते रहनी है. तो धीरे धीरे आपके स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी एंड धीरे धीरे आपका जो बैलेंस की टाइमिंग है वो बढ़ती जाएगी ऐसे. तो जब आपको ये आ जाएगा तो इसको आप ऊपर से भी ट्राई कर सकते हो, जैसे हम हैंड स्टैंड को करते हैं. तो यहाँ से पहले हमारा ये हाथ पहले जाएगा, फिर हमारी एल्बो आएगी ये. तो यहाँ पर भी हमारा बैलेंस बन रहा है. एंड उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो कोई भी अलग अलग फ्रेम, जैसे ये वाला स्ट्रेट लेग स्प्लिट एंड और भी काफ़ी सारे. सेकंड मूव है मकाको कैंसिल, जो कि काफ़ी बढ़िया सा मूव है ना. तो इसको करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है. हमें मकाको कम्प्लीट नहीं करनी है, हाफ ही करनी है. तो यहाँ पर हम बैठेंगे इस तरीके से, हैंड हमारे जाएगा यहाँ पे. मैं आपको लेफ्ट हैंड से दिखा रहा हूँ, आप राइट से भी कर सकते हो, मैं दोनों से भी कर सकता हूँ. सो हमारा हैंड ये जाएगा, ठीक है, फिंगर्स उस साइड एंड हल्की सी साइड डायगनल एंड बॉडी अप. सबसे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ना. उसके बाद सेकेंड चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से हाथ रखते ही जंप ये. उसके बाद आपको ये वाला हाथ ऊपर मारना पीछे एंड उसके बाद आपको रोल करना फ्रंट रोल, लेकिन स्टार्ट होगा हाफ से ऐसे, ठीक है. मैं दिखाता हूँ आराम से हाथ एंड ये रोल अप. बस ये हमारे मकाको कैंसिल है. सो एक और बार करते हैं यहाँ पे, वन एंड टू, बस यहाँ पे, ठीक है. अब इसी में आपको क्या करना है, आपको उठना भी है तो आप एक ही पैर से उठ भी सकते हो, स्टैंड कर सकते हो ऐसे. थर्ड मूव है बोथ साइड अपर हुक या फिर फिगर फोर. सो इसको कैसे करना है, सबसे फर्स्ट आपको जो पोजीशन है वो आपको ये क्रिएट करनी है यहाँ पे, ठीक है, हाथ स्ट्रेट एंड ये पैर आपका यहाँ पर आएगा अपर हुक या फिर फिगर फोर, ठीक है. सो फर्स्ट ये है एंड सेम फ्रेम आपको बनाना है ओपोजिट साइड यहाँ पे, इस साइड भी, ठीक है. ये चीज़ है. अब इसको आपको एक साथ कैसे परफॉर्म करना है, तो जैसे हम कॉइन करते हैं, कॉइन मैंने सिखा रखा है इस वीडियो में, तो आप इसको देख सकते हो. सो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका हाथ होगा यहाँ पर प्लेस होगा, है ना. स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से कॉइन यहाँ से एंड इस पैर को ऊपर मारना है यहाँ पर एंड इसको यहाँ पर प्लेस कर देना है एंड ये वाला पैर घुमा के आएगा इसके ऊपर ये, ठीक है. अब यहाँ से दूसरी साइड जाना हमें, तो ये पैर वापस रिवर्स आएगा एंड ये पैर यहाँ पर एंड अब हमारे हाथ स्विच हो जाएंगे ये एंड ये पैर पीछे. आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो. एंड देन ये वाला पैर ऊपर ये. तो इसको आपको आराम आराम से प्रैक्टिस करनी है ऐसे, आराम से देखो एंड फिर परफॉर्म करना है ये, ठीक है. इसकी प्रैक्टिस करनी है फोर्थ मूव है किक अप, जिसके बारे में सबको ही पता होगा कि किक अप क्या होता है. सो इसको करना थोड़ी सा डिफिकल्ट होगा बट आसान भी है क्योंकि मैं बता रहा हूँ. तो यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट पोजीशन ये है आपकी, ये शोल्डर पे आना है आपको यहाँ पे, ठीक है. आपका वेट होगा शोल्डर पे, हाथ आपके होंगे ऐसे. आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है. एंड यहाँ से आके आपको प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे लाके पैर बांधकर कैसे बस ये डी पे जाना है, ठीक है. आपको बॉडी अप करनी है, पूरा डी भी नहीं आएगा आपका बट प्रैक्टिस यही होगी हल्की सी ये, ठीक है. आपको हाथ के ऊपर आपकी बॉडी लिफ्ट कर लेनी है, ठीक है. इसके बाद सेकंड चीज़ आएगी, आपको हल्का सा हाथों से पंप देना है, बॉडी को आगे फेंकना है ऐसे ये. अभी आप वापस गिरोगे बट कोई बात नहीं, इसकी आपको प्रैक्टिस करना.
तो ये ठीक है। एंड इसी में जितना हो सके आपको पैर ऊपर से घुमा के लाने, ऊपर से आपको ये सर्कल क्रिएट करना है ये वाला, ठीक है। एंड हाथों से आपको करना पंप, सो थोड़ी सी हमारा ऐसे आएगा फिर ये। सो इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है आपको। एंड प्रैक्टिस करते करते आपको क्या करना है, आपको पैर जितना हो सके आपको स्ट्रेट करके टाइट रखने हैं, और हाथों से जितना हो सके आपको ऊपर फेंकना है, एंड पैर भी जितना ऊपर से घुमा के ला सको वो करना है। तो उसके बाद आपकी ऐसी आएगी ये। फिफ्थ मूव है डॉल्फिन। सो डॉल्फिन सबसे पहले हम लोग कहाँ से करेंगे, यहाँ से। मैं आपको लेफ्ट से दिखा रहा हूँ। सो सबसे पहले हमारा क्या होगा, पोजिशन ये होगी। एंड इसके सबसे पहले हमारा आएगा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, एंड ये मारना हमें ऊपर पैर को, ठीक है। और हमें वेव करने ज़मीन से टच करते हो। सबसे पहले हमारी चेस्ट नीचे टच होगी, एंड देन पूरी बॉडी वन बाय वन ऐसे यहाँ से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ। तो पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ये, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमें ऊपर से करना है, जिसमें हमें लेफ्ट लेग पहले मारना है ऊपर। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, राइट लेग हमारा अप होगा, ये जाएगा, चेंज होगा, स्विच ये जाएगा वन एंड, ठीक है। एंड यहाँ से किक, हाथ नीचे आएगा, एंड किक करते ही वन बाय वन ऐसे ये, ठीक है। पैर हवा में भी स्विच हो रहे हैं, तो इसको एक और बार दिखाता हूँ मैं अच्छे से यहाँ से ये जी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो। इसको भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एंड इसको आपको इस तरीके से आना चाहिए आपको बाद में। सो गाइस, ये थे 5 इजी ब्रेक डांस मूव्स। आई होप आपको ये मूव्स पसंद आए होंगे। आपको कौन सा सबसे फेवरेट था कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप कोई सा मूव सीख के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाले हो तो मुझे टैग करना मत भूलना, मेरी इंस्टा आईडी आपको दिख रही होगी, तो टैग ज़रूर कर देना। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को अगर अभी तक नहीं कराया तो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस और भी लाने वाला हूँ एंड लाते ही रहता हूँ। आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।